पपीते का हलवा की रेसिपी शेयर आज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पपीता धुल लिया है और इसको छील लेते हैं। पपीते को मैंने छील लिया है और अब इन्हें ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। तो ये मोटे वाले से करेंगे। देखिए इसी तरह से सारा पपीता कद्दूकस कर लेंगे। पपीते को ग्रेट कर लिया है और इन्हें चलिए अब बनाते हैं इनका हलवा। तो कढ़ाई रख दिया है चूल्हे पे गरम होने के लिए। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल लिया है, ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। और अब इसमें पपीता डालते हैं। पपीते को चला करके ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट के बाद इनको ढक्कन हटा के इनको चला लेते हैं। यहीं पे अब स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। तो हमने 1 कटोरी के करीब चीनी इसमें डाला है। इनको मिला करके फिर से ढक करके 4-5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से चीनी इसमें घुल जाए और जो हमारा कच्चा पपीता है वो भी गल जाए अच्छे से। देखिए पपीता और पानी ये पूरा छोड़ दिया है। अब इनको धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे चला कर ढक के रख देंगे। चीनी भी अच्छे से गल जाएगी, पपीता भी। पपीते को चला लेते हैं और चेक कर लेते हैं पपीता हुआ है कि नहीं। पपीता हो गया है। अब इसमें ये फ्रेश मलाई है, आधा कटोरी के करीब इसको डाल देते हैं। और कुटी हुई इलायची, अब चाहे तो यहीं पर ड्राई फ्रूट्स डाल दें, नहीं तो बाद में जब एकदम रेडी हो जाए, तैयार हो जाए, तब ड्राई फ्रूट्स डालें और इनको अच्छे से चला लें। और इनका जो पानी है उनको सुखा लेंगे अच्छे से। जब पपीते का हलवा एकदम तैयार होने के करीब आ जाए तो 1 से 2 चम्मच और उसमें घी डाल देंगे, डाल के अच्छे से मिला देंगे। और देखिए अब ये हलवा करीब तैयार होने वाला है। इनको अब थोड़ा सा तेज आंच करके इनका अच्छे से इनको भून लेंगे और पानी एकदम से इनका सुखा लेंगे। पपीते का हलवा रेडी हो गया है। देखिए अब इस पे कुछ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स नहीं डालेंगे, तभी भी ऐसे ही इसको खाया जा सकता है। और डालना चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा डाल दें। इनको ढक करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हलवे को एक बाउल में निकालते हैं। वीडियो पसंद आने पे लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यकीन मानिए ये पौष्टिक से भरपूर पपीते का हलवा है जो सबको पसंद आएगा। एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार हो गए हैं गार्निश के साथ हलवा। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसे बना है। बहुत ही कम चीज़ों से तैयार होने वाला ये हलवा है और बहुत जल्दी बन भी जाता है।